कोई सिंडर में लगा रहा है, कोई राइस हस्क और ये सब भी मिलाता है। मैं बहुत ही सिंपल मीडिया यूज करती हूँ। ये जो ग्राफ्टेड एडेनियम्स हैं सर, उन्हीं पे ही सारी सीड पॉट्स आए हुए हैं। जो मेरा मदर प्लांट है, जो सबसे पुराना प्लांट है मेरा, उससे ये मैंने ग्राफ्ट किया था। फ्रेंड्स, एडेनियम जो कि डेजर्ट प्लांट भी हम कहते हैं, बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग मानी जाती है इसकी। साल में बहुत ही टाइम तक फ्लावरिंग करता रहता है, काफ़ी महीने तक फ्लावरिंग होती रहती है। और कई सारे फ्रेंड्स की क्वेरीज रहती हैं एडेनियम्स को लेके। कोटा सीरीज़ में मैं बैक टू बैक आपको ऐसे गार्डनर्स के पास लेके जाऊंगा जिनके पास एडेनियम्स की भरमार है, और आपको बहुत मज़ा आने वाला है इन वीडियोज़ में। एक दो वीडियोस आपने एंजॉय कर भी लिए हैं, लेकिन अभी भी काफ़ी सारी वीडियोस आने वाली हैं। तो आज मैं जिस गार्डन में हूँ वो गार्डन है पारुल सिंह जी का गार्डन, जिनका गार्डन तो सुंदर है ही, साथ ही मैं इनके पास जो प्लांट की वैरायटीज़ हैं वो भी बहुत सुंदर हैं। ऑलरेडी आपने इनका गार्डन देख लिया है, एक्वाटिक प्लांट का कलेक्शन देख लिया है। आज हम बात करेंगे एडेनियम्स के ऊपर। तो एडेनियम में इनके पास काफ़ी सारी वैरायटीज़ हैं, मैक्सिमम प्लांट्स पर फ्लावरिंग हो रही है। किस तरह अपने प्लांट की केयर करती हैं, कैसे काम करती हैं, क्या है इनका एडेनियम को लेकर एक्सपीरियंस, हम उन पर बातें करने वाले हैं। तो एक बार आपको फिर से मैं बताना चाहूँगा, मैं हूँ राजस्थान के कोटा में, मेरे चैनल पे चल रही है कोटा सीरीज़, मिल रहा हूँ काफ़ी सारे गार्डनर से और बैक टू बैक वीडियोस आ रही हैं। हर दिन सुबह 10 बजे आपको वीडियोस देखने के लिए मिलती रहेंगी, और कोटा सीरीज़ चलने वाली है बहुत लंबी, क्योंकि मुझे मिल चुके हैं काफ़ी सारे गार्डनर्स। तो सभी की वीडियोस आप इन्जॉय करें, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लीजिए, क्योंकि सभी के साथ मैं बना रहा हूँ रील्स, और जब भी किसी गार्डन में जाता हूँ लाइव अपडेट भी देता हूँ आपको आके वहाँ पे। तो अगर आप देखना चाहते हैं मैं कहाँ पर हूँ, कहाँ पर शूट कर रहा हूँ, तो जाके आप फेसबुक पेज को फॉलो करें और इंस्टा पर जाके रील्स ज़रूर इन्जॉय करें। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी शुरू करते हैं आज की वीडियो। संदीप जी, एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब हम आज बात करेंगे एडेनियम्स के बारे में, ना? थैंक यू। एडेनियम्स भी मैंने करीब, जो सबसे पुराना मेरा एडेनियम है वो शायद 8-9 साल पहले मैंने नर्सरी से परचेज किया था, लोकल नर्सरी से। तब मैं एडेनियम के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं जानती थी, ये मेरा फर्स्ट प्लांट था। लेकिन बाद में जैसे जैसे मतलब नॉलेज होती गई, तो पता चला कि ये मिस इंडिया है और काफ़ी फेमस वैरायटी है ये। अब तो बहुत सारी आ गई हैं, अकीरा है, बहुत सारी वैरायटीज आ गई हैं, बाकी ये उस टाइम पर काफ़ी फेमस था। तो ये सबसे पहला प्लांट है संदीप जी, और ये जो बड़े साइज़ के जितने भी एडेनियम्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सारे मेरे नर्सरी से परचेज किए हुए हैं, या तो कोटा नर्सरी से या फिर जयपुर नर्सरी से। फ्लावरिंग मैम बहुत अच्छी हो रही है सभी पे। बिल्कुल, अभी इससे पहले और ज़्यादा हो रही थी संदीप जी, अभी बारिश कुछ टाइम हुई ना, तो ये सारे और फिर धीमे धीमे कम भी होते जाते हैं इस सीज़न में चार, क्योंकि जैसे जैसे विंटर्स आती हैं तो इनमें फ्लावरिंग कम होती जाती है। तो ये जितने भी ये बड़े प्लांट्स जो बड़े पॉट्स में लगे हुए हैं, ये सारे मेरे पुराने प्लांट्स हैं। उसके अलावा आप देख रहे हैं जो छोटे पॉट्स में हैं प्लांट जितने भी हैं, ये भी हैं, सामने भी जो रखे हुए हैं ना। इसके अलावा ये जो प्लांट्स हैं, ये सारे ही ऑनलाइन परचेज किए हुए हैं, या फिर जैसे हमारे कोटा में भी हैं सेलर्स जो ग्रो कर रहे हैं या ग्राफ्ट करके तैयार कर रहे हैं जी, तो उनसे परचेज किए हुए हैं ये मैंने ना। इधर सीढ़ियों पे हैं, ये सबसे लास्ट में अभी रिसेंटली लिए हुए हैं, और कुछ अंदर भी हैं 7-8 प्लांट जो अभी बाहर नहीं आए हैं, जो भी शेड में रखे हुए हैं। आपने तो काफी सारे एडेनियम्स ग्रो कर लिए, तो आप कब से, कितना समय हो गया एडेनियम्स को ग्रो करते हुए वैसे? सर वही 8-9 साल पहले मैंने ये वाला फर्स्ट परचेज किया था। okay. तब मुझे ज्यादा नहीं पता था कि बस उसको, उसकी जो बनावट है उसका कॉर्डेक्स का जो शेप है वो देख के मैंने उसको लिया था जी। लेकिन तब डरते डरते बस नर्सरी वाले ने इतनी बताया कि इसको पानी नहीं देना है, तो लेकिन धीमे धीमे जैसे नॉलेज होती गई, खुद से लगाया, तो फिर अब तो सर पता है सारी चीज़ें, तो अब तो मैनेज हो जाता है। जैसे ये डेजर्ट रोज़ है, नाम से ही पता चल रहा है कि इनको पानी बहुत कम चाहिए होता है जी। इनका सॉइल मीडिया ऐसा होना चाहिए कि जब आप वाटरिंग करें तो विद इन 1 मिनट पानी ड्रेन आउट हो जाए पॉट से, है ना, क्योंकि अगर पानी रुकेगा तो इनमें रॉटिंग के चांसेस होते हैं। बाकी ये प्लांट बहुत मतलब लेस केयर प्लांट है, आपको कुछ भी करने की एक्स्ट्रा ज़रूरत नहीं है। मीडिया भी आप देखिए, मुझे 3 साल से मैंने इन प्लांट्स की रिपोर्टिंग नहीं करी है, क्योंकि इतने हैवी प्लांट्स हैं ये, जबकि कई लोग हर सीज़न में रिपोर्टिंग करते हैं इनकी, मैं नहीं करती हूँ। लेकिन मेरी फ्लावरिंग हमेशा ऐसी ही होती है, इस बार तो बल्कि मेरी प्रूनिंग भी मैंने नहीं कर पाया था एक्चुअली, फरवरी मार्च में इनकी जब प्रूनिंग की जाती है तो इसलिए शेप उतना अच्छा नहीं है। बाकी बस मैं प्रूनिंग करती हूँ मार्च में, और ये इतना अच्छे फ्लावरिंग करते हैं, जितनी ज़्यादा प्रूनिंग होती है उनमें उतनी ही ज़्यादा एडेनियम्स में फ्लावरिंग होती है। और फर्टिलाइज़र की बात करें संदीप जी, तो मैंने ऐसा स्पेशली कुछ नहीं देती हूँ, जब मैं इनका सॉइल मीडिया प्रिपेयर करती हूँ उसी टाइम, जैसे मैं मुझे मतलब अभी सब अलग अलग तरीके से ग्रो कर रहे हैं एडेनियम की सॉइल जो है, अलग अलग तरीके से प्रिपेयर कर रहे हैं, कोई सिंडर में लगा रहा है, कोई राइस हस्क और ये सब भी मिलाता है। मैं बहुत ही सिंपल मीडिया यूज़ करती हूँ, हालांकि आप देखिए मैंने सिंडर में भी लगाए हुए हैं प्लांट्स, सिंडर में भी मेरे लगे हुए हैं जी, है ना ये प्लांट्स, लेकिन उनमें भी फ्लावरिंग हो रही है।
लेकिन मुझे जो कॉन्फिडेंस है वो मुझे सॉइल में आता है। तो जब मुझे सॉइल अवेलेबल नहीं होती है या सैंड अवेलेबल नहीं होती है तब मैं सिंडर यूज़ करती हूँ। तो जो स्टार्टिंग से जो मेरे प्लांट हैं वो सारे सॉइल में हैं, बहुत अच्छे चल रहे हैं, कभी मुझे कभी इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। मैम आपकी जो सॉइल है वो भी क्योंकि पोरस होगी जी, तो पोरस बनाने के लिए आप सॉइल में क्या क्या मिक्स करते हैं? संदीप चीजें तो आप डालते ही होंगे। हाँ संदीप जी, जैसे है ना कोर्स सैंड में यूज करती हूँ जी, तो 50% में कोर्स सैंड लेती हूँ, उसके अलावा बाकी 50% में जैसे 20% सॉइल, 20% वर्मी कंपोस्ट और 10% में से बोन मील है, सरसों खली है, नीम खली है, सुपर फॉस्फेट है, ये चीज़ें जब मैं रिपोर्टिंग करती हूँ उस टाइम ये सारी चीज़ें मैं मिक्स करती हूँ। तो एक साथ मैं सॉइल मीडिया तैयार करके रख लेती हूँ उसका, और जब भी मुझे प्लांट लगाना होता है तो बस उसमें से लेके मैं लगा लेती हूँ। तो बस मेन जो चीज़ है एडेनियम की, मुझे लगता है कि सॉइल जो है वो एकदम पोरस होनी चाहिए, कि बिल्कुल भी वाटर नहीं रुकना चाहिए उसमें ना। बाकी मेरे सारे ओपन में ही रखे हैं, आप देखिए, और अभी यहाँ लगातार बारिश हो रही है कोटा में, लेकिन मतलब मुझे टचवुड कोई प्रॉब्लम नहीं आती इनमें एडेनियम्स में ना। जैसे कि मैम ने आपको बताया लगातार हो रही है, तो फ्रेंड मैं भी यहाँ पे लगभग मुझे 1 वीक होने वाला है और मैं देख रहा हूँ कि हर रोज़ बारिश हो रही है, उसके बावजूद आप इनकी मिट्टी अगर देखें, गमला देखें, तो आपको कहीं भी पानी टिका हुआ नज़र नहीं आ रहा। तो इसका मतलब यही है कि इनकी सॉइल जैसे कि मैम ने बताया बिल्कुल पोरस है। फ्लावरिंग भी आप देख रहे हैं काफ़ी अच्छी हो रही है, हालांकि ये सीज़न नहीं है फ्लावरिंग का, लेकिन संदीप जी और बारिश जो हो रही थी ना लगातार, तो उसमें झड़ भी गए, झड़ भी गए, बर्ड्स जो हैं बर्ड्स खराब हो गई हैं। देखिए यहाँ पे भी झड़े हुए हैं, देखेंगे वाटर प्लांट्स के अंदर इनके फ्लावर नजर आ रहे हैं आपको जगह जगह, बर्ड्स में काफी अटैच चुकी हैं, जैसे बर्ड्स खराब हो गई हैं, जो नई बर्ड्स आई थी वो तो काफी सारी खराब भी हो गई हैं, जैसे ना ये देखिए ये सारी बर्ड्स झड़ गई हैं, नहीं तो और भी फ्लावरिंग इनमें अच्छी होती। मैम अगर मैं वैरायटीज की बात करूं, आपके एडेनियम में कितनी वैरायटीज हैं और कौन कौन सी वैरायटीज हैं? संदीप जी करीब 120 के आसपास मेरे पास एडेनियम्स की वैरायटीज हैं जी, और मुझे ज्यादातर रोजी और मतलब ओबेसम वैरायटीज, मतलब हाइब्रिड ओबेसम जो वैरायटीज हैं ये ज्यादा लाइक करती हूँ मैं, तो मेरे पास मोस्टली वही हैं। लेकिन फिर भी कभी होता है जैसे कुछ स्पेशल वैरायटीज मैं मंगा लेती हूँ, तो जैसे मेरे पास ये स्पून लीफ एडेनियम है, इसकी आप लीव देखिए स्पून के शेप में रहते हैं, स्पून की तरह ये लीफ होती है इसकी, तो स्पून लीफ एडेनियम है। और तो इसकी फ्लावरिंग कैसी होती है मैम? लीव्स तो बहुत सुंदर है, फ्लावरिंग नॉर्मल ओबेसम की तरह होती है फ्लावरिंग, तो 5 पेटल्स का फ्लावर आता है, लेकिन सुंदर ये आई हुए हैं सर से, ये देखिए ये फ्लावर है इसका, नाइस फ्लावर तो नॉर्मल ही आता है, लेकिन जो लीव्स हैं वो इसकी खूबसूरती है। हाँ बाकी और भी है, जैसे नोवा तंजानिया है, ये देखिए ये जो नैरो लीव्स हैं ये नोवा तंजानिया है, ये वाला, हाँ जी नाइस ब्यूटीफुल कलर्स फ्रेंड आपको काफी नजर आ रहे हैं इनके पास, बहुत ही वेरिएशन है कलर्स में। ये देखिए ये जो ग्राफ्टेड एडेनियम्स हैं सर, उन्हीं पे ही सारी सीड पॉट्स आए हुए हैं। एक्चुअली मेरे वाटर लिलीज के कारण यहाँ हनी बीज हमेशा रहती हैं, हनी बीज, ड्रैगन फ्लाईज ना, और बर्ड्स भी, तो ये सारे क्या पॉलिनेटर का काम करते हैं। अच्छा। तो इसीलिए एडेनियम में मतलब हमेशा मेरे सीड पॉट्स आती रहती हैं, आप देखेंगे सामने भी सीड पॉट्स आई हुई हैं है ना ये देखिए इधर भी सीड पॉट आई हुई है जी हाँ है ना, ये है उधर भी बहुत सारे ग्राफ्टेड एडेनियम्स में सीड पॉट आई हुई है, ये देखिए ये देखिए। एडेनियम को हम जो नॉर्मल एडेनियम है वो तो हम सीड से ग्रो कर सकते हैं है ना, जो हमें ये सीड्स मिलते हैं कई बार इनमें भी जो जब हम ग्रो करते हैं इनको तो बहुत अच्छे हमें वैरायटीज इसमें मिल जाती हैं। बाकी ज़्यादातर जब सीड से हम ग्रो करते हैं हमें नॉर्मल ओबेसम वैरायटी मिलती है, जैसे मैं दिखाऊं आपको ये जो वैरायटी जो जनरली हमें नर्सरीज में मिलती है ना, ये ओबेसम वैरायटी है सिंपल, तो ये वैरायटीज सीड से ग्रो होती है। इसके ऊपर हम जब ग्राफ्ट करते हैं तो ग्राफ्टिंग करके हम इस तरीके के फ्लावर हमें मिलते हैं है ना। तो पहले तो संदीप जी मेरे ज़्यादातर तो परचेज किए हुए हैं, लेकिन अभी कुछ टाइम से ही मैंने 2-3 साल से ही ग्राफ्टिंग शुरू करी है, तो जैसे मैं ये मैंने प्लांट मैंने खुद ने ग्राफ्ट किया था ये। अच्छा? ना हाँ जी नाइस। तो ये ना अभी इसका कलर फेड हो गया है, ये पीकॉक जैसा इसका कलर आता है फ्लावर का जब ये ओपन होता है ना, तो ये मैंने खुद से किया था। एक ब्लैक स्वान जो है ये मैंने खुद से किया हुआ है, ये जो देखिए आप ऊपर तो नॉर्मल है लेकिन नीचे मैंने ग्राफ्ट किया है इस पर ब्लैक स्वान, मैंने ये ग्राफ्ट किया हुआ है ये देखिए, तो अभी इसमें फ्लावरिंग नहीं हो रही है ये देखिए ये ग्राफ्ट हो रखा है, तो ये ब्लैक स्वान वैरायटी है। और भी बहुत सारी वैरायटीज हैं मेरे पास में जो मैंने ग्राफ्ट किए हैं जो उधर रखी हुई है। एक मिस इंडिया मैं दिखाना चाहूँगी, ये भी मैंने ग्राफ्ट किया हुआ है, ये जो मेरा मदर प्लांट है जो सबसे पुराना प्लांट है मेरा उससे ये मैंने ग्राफ्ट किया था,
और इस पर बहुत फ्लावरिंग होती है, बहुत अभी रिसेंटली फ्लावरिंग हो चुकी है इसीलिए ये दोबारा बर्ड्स आई हैं। संदीप जी, वैसे तो एडेनियम बहुत ही लो केयर प्लांट है ना, बस हमें यही ध्यान रखना है जैसे बारिश में हमें बीच बीच में चेक करते रहना होता है कि कहीं इसमें वाटर लॉगिंग ना हो रही हो। कई बार होता है जैसे बहुत पुराने प्लांट है, पुरानी मिट्टी हो गई है, तो कई बार नीचे पानी मतलब जो इसका ड्रेनेज होल है वो ब्लॉक हो जाता है, तो कई बार पानी निकलना बंद हो जाता है। जैसे इस प्लांट के साथ मेरे एक बार हो चुका है, ये रॉट हो गया था लेकिन वो लकीली मेरे को सर्वाइव कर गया वापस से, क्योंकि हेल्दी प्लांट था ये। देखिए ये पूरा रॉट हो गया था ना पिछले सीजन में, तो बस ये थोड़ा सा ध्यान रखना होता है बारिश के टाइम पे। बाकी अगर आपने बहुत टाइम से डिपॉटिंग नहीं की है तो जब इनका ग्रोइंग सीजन है उस टाइम पे आप इनको फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। फर्टिलाइज़र में जैसे अगर फ्लावरिंग के लिए जो ज़्यादातर मैं इनको 12-32-16 है ना या 0-52-34 ये मैं प्रेफर करती हूँ इनको, क्योंकि फ्लावरिंग के लिए फॉस्फोरस ज़्यादा चाहिए होता है ना, तो जिसमें फॉस्फोरस कंटेंट ज़्यादा होता है वो फर्टिलाइज़र हम इनको दे सकते हैं। बाकी आप बोन मील भी दे सकते हो, सरसों खली का वो सबसे बेस्ट है, क्योंकि मैं केमिकल फर्टिलाइज़र थोड़ा कम देती हूँ। जब मैं बनाती हूँ मीडिया उसी टाइम पे जो डालना है वो डाल देती हूँ। उसके अलावा मैं मोस्टली सरसों खली जो है उसका फर्टिलाइज़र हम प्रिपेयर करते हैं है ना, वो मैं इसको देती हूँ, वो भी बहुत कम। मतलब मेरा ये है कि डेजर्ट प्लांट को बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे कैक्टस और वाटर लिली, ये दो प्लांट ऐसे हैं जो बहुत हैवी फीडर होते हैं। डेजर्ट रोज़ को सिर्फ अगर ड्रेनेज अच्छा मिलता रहे और सनलाइट रिक्वायरमेंट इनकी काफ़ी अच्छी होनी चाहिए होती है, तो इसीलिए ये जो मेरा पोर्शन है इसमें सबसे ज़्यादा मैक्सिमम सनलाइट आती है, इसीलिए वाटर लिली और डेजर्ट रोज़ को मैंने इसीलिए यहाँ पर रखा हुआ है ना। दीप जी, ये मैंने अभी रिसेंटली ग्राफ्ट किया है, करीब 20-25 दिन पहले मैंने ग्राफ्ट किया था। ये देखिए ये तीन ब्रांचेज हैं, तीनों ही ये सक्सेसफुल ग्राफ्टिंग रही है इनकी ना। एक ये है, ये हाइब्रिड स्वेजिकम है, स्वेजिकम वेराइटी है, ये मैंने इस पर ग्राफ्ट किया था, और यही स्वेजिकम वेराइटी ही मैंने, ये 6 ब्रांचेस हैं शायद इसमें, ये देखिए इस सब पे मैंने ग्राफ्ट किया था, तो ये सारी ही सक्सेसफुल रही है ये ना। नाइस, तो आप कितने टाइप से आप ग्राफ्टिंग करते हैं या सिंगल एक ही तरह से आप करते हो? कई तरीके है ना ग्राफ्ट करने के, ग्राफ्टिंग के कई तरीके होते हैं संदीप जी, लेकिन मुझे ये सबसे इजी तरीका लगता है। अच्छा। क्योंकि इतना सा टाइम भी नहीं होता है एक्चुअली प्लांट्स की केयर टेकिंग में, तो टाइम निकल जाता है, तो ये सबसे सिंपल और इजी वे है, फ्लैट ग्राफ्टिंग बोलते हैं इसको। ओके। बस ये हमें नीचे से इसको कट करना होता है, जो हमारा ये ग्राफ्टेड प्लांट है जो रूट स्टॉक बोलते हैं, नीचे का जो प्लांट है इसको रूट स्टॉक बोलते हैं, और जिस प्लांट की हमें ग्राफ्टिंग करनी है उसको सियोन बोलते हैं। तो ये सियोन का हमें 1 इंच से भी छोटा टुकड़ा, मतलब 1 इंच के आसपास जो हमें लेना है, और नीचे रूट स्टॉक, और दोनों की बस हमें ये ध्यान रखना है कि एकदम शार्प जो है नाइफ से हमें उनको कट करना है, बिल्कुल प्लेन होना चाहिए, बिल्कुल मतलब स्मूथली कटना चाहिए। उसके बाद में जब इन दोनों को एक के ऊपर एक रख के, और हमेशा सीधा साइड से ही रखना है, मतलब ये जो पार्ट है ऊपर का, ये जैसे मान लीजिए ये प्लांट है, तो अगर हम इसको कट कर रहे हैं तो ये जो नीचे वाला पार्ट है यही इसके ऊपर आना चाहिए। कई बार होता है ये कि हम उल्टा कर देते हैं, जब हम कट करते हैं तो भूल जाते हैं, तो फिर वो ग्राफ सक्सेसफुल नहीं होता है आपका ना। तो ये हमें सीधा रखना होता है इसके ऊपर, और ये ग्राफ्टिंग टेप आता है इससे हमें इसको कस के और बांध देते हैं। आप इसकी जगह रबर बैंड भी कई लोग यूज करते हैं, लेकिन मैंने देखा कि हमने जब मार्च अप्रैल में ग्राफ्टिंग किया था तो रबर बैंड मेल्ट हो जाता था, तो वो निकल गया, तो जिससे ये लूज हो जाता है, तो मुझे ये ज़्यादा मैं प्रेफर करती हूँ, तो मैंने इसको ऊन से इसको बांधा हुआ है ना। और मुझे मतलब 100% रिजल्ट मिलते हैं संदीप जी मोस्टली ना ये फ्लैट ग्राफ्टिंग से, क्योंकि आप खुद भी देख सकते हैं मैंने अभी मैंने ज़्यादा नहीं, ये 3 ही प्लांट को किया था, और ये 3 प्लांट में जितने भी किया एक भी अनसक्सेसफुल नहीं रहा है, सारे ही मतलब सक्सेसफुल रही है मेरे ना। सो फ्रेंड्स, कैसी लगी वीडियो से तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। आज हमने बात करी है एडेनियम प्लांट्स के ऊपर, पारुल सिंह जी का बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है अपने प्लांट्स को लेके, काफ़ी सारे वैरायटीज़ हमें देखने के लिए तो मिल ही रही हैं, लेकिन सभी पे हमें मिल रही है डिटेल इन्फॉर्मेशन। तो मुझे आशा है कि आपको इनकी सारी वीडियोस पसंद आ रही होगी। पारुल जी की बाकी वीडियोस भी देखना चाहते हैं तो 2 से 3 वीडियोस ऑलरेडी हम कर चुके हैं, और कुछ वीडियोस अभी आना बाकी है, तो सभी के लिंक आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में, आप क्लिक करें, वीडियोस को जाके एंजॉय करें, आपको बहुत मज़ा आएगा। अब मैं जा रहा हूँ सेकंड फ्लोर पर, आप देख रहे हैं स्टेयर्स गई हैं ऊपर, तो सेकंड फ्लोर पर है इनका बहुत ही सुंदर कैक्टस गार्डन। कैक्टस गार्डन में जाके हम बात करने वाले हैं इनके सभी के सभी एक्जोटिक कैक्टस के ऊपर, काफ़ी कैक्टस पे फ्लावरिंग भी हो रही है तो हम उनकी ही बातें करेंगे। तो आप अगर ऐसी वीडियो देखना पसंद करते हैं सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें, अपने और भी गार्डनिंग लवर फ्रेंड्स तक इस चैनल को पहुँचाएँ, शेयर करें ताकि उन लोगों को भी ऐसे गार्डन देखने के लिए मिल पाएँ, और उन्हें भी ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हर दिन सुबह 10 बजे देखने को मिलती रहें। तो मैं चलता हूँ इनके कैक्टस गार्डन में, जल्दी आपसे होगी एक बार फिर से मुलाकात नेक्स्ट एपिसोड में कोटा के, तब तक के लिए
बाय बाय। जब वॉक पे जाते हैं तो इस टाइप की बोटल्स नजर आती है, उसे उठा लेते हैं और तो इसकी जो जड़ वगैरह है ना, ये इसमें टच करता है, टच करने के बाद यहाँ से ये पानी भी ले सकता है। मोस्टिक को आपने इसमें डाल दिया उठा के, इसको डाल के फिर हाँ। ये मोस्टिक है जो ऊपर से आई हुई है, ये जो बांधा हुआ है सन्ने रोप, इसको मैं बोलता हूँ ये मेरा ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन आपके घर का ऑक्सीजन? मेरा घर का ऑक्सीजन है।